हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया में तो आज का हमारा नया टॉपिक है एच तो चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस एच आई एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ठीक है इससे पहले हमने गोनोरिया और सिफेलिस को डिस्कस किया था ये दोनों भी हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थे बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्श डिजीज थे ठीक है बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते थे बट जो हमारा एच है वो वायरस की वजह से कॉज होता है कौन सा वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ठीक है तो इसके हम डिफिनेशन को देखते हैं एच आई वी इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट द इम्यून सिस्टम डिक्रीजिंग इट्स एबिलिटी टू फाइट ऑफ अदर इन्फेक्शन एंड डिजीज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से एच आई वी होता है ठीक है ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करती है ठीक है अफेक्ट करती है जिसकी वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है इम्यून सिस्टम को हम फाइटिंग सिस्टम भी बोलते हैं इम्यून सिस्टम का वर्क रहता है किसी भी डिजीज या कुछ भी अदर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट करना ठीक है थीके? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फॉरेन मटेरियल है सबस्टेंस है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है तो जो एच वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट करता है जिसकी वजह से उसकी जो एबिलिटी है ठीक है फाइट करने की ऑफ अदर इन्फेक्शन किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो फाइटिंग जो है वो एबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है ठीक है तो जिससे हमें कोई भी डिजीज या कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इजीली इंटर करेंगे और हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट करेंगे हमारे बॉडी को हार्म करेंगे ठीक है इसके कुछ ट्रांसमिशन मोड्स हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एच कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू स्पेसिफिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पहले ही बताया था कि एच जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ये सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिशन uh, होगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन तो फर्स्ट है हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स सेकेंड है ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्टेड ब्लड कोई भी एच आई बी पॉजिटिव पर्सन है पेशेंट है उसके ब्लड किसी अदर पर्सन में अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके थ्रू शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स और अदर साफ इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है इंजेक्शन अगर इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन लगा है वही इंजेक्शन अगर किसी और पर्सन को लगता है तो उसकी वजह से इसलिए कोई भी इंजेक्शन या नीडल्स को सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए नेक्स्ट है फ्रॉम अ मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग अगर किसी मदर को है तो उसके बेबी में प्रेगनेंसी के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ट्रांसफर हो सकता है ये डिजीज नेक्स्ट है स्टेजेज ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन देर आर थ्री स्टेजेज ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन एच आई वी इन्फेक्शन के थ्री स्टेजेज है फर्स्ट है एक्यूट एच आई वी इन्फेक्शन सेकेंड है क्लिनिकल लेटेंसी थर्ड है एड्स Acquired Immunodeficiency Syndrome. No cure exists for HIV or AIDS, but medication can control HIV and prevent disease progression. With treatment, most people with HIV in the US don't develop AIDS. अगर एच आई वी जो डिजीज़ है उसकी एग्जैक्ट जो क्योर है वो तो नहीं है बट इसकी मेडिकेशन से हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन ठीक है इसके प्रोग्रेशन पे भी हम कंट्रोल uh, कर सकते हैं तो अगर हम अर्लियर uh, फेज में एच आई वी इन्फेक्शन की मेडिकेशन को प्रॉपरली लेते हैं तो ये कभी भी एड्स तक नहीं पहुंचता है ठीक है इसका थर्ड स्टेज है एड्स उस कंडीशन तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचता है नेक्स्ट क्या होता है ठीक है एड्स इज द मोस्ट सीवियर फेज ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन बोला ये एच आई वी की कोई एग्जैक्ट क्योर uh, तो नहीं है बट इसके अगर मेडिकेशन नहीं लेंगे तो इसकी सीवियर स्टेज एड्स तक हम पहुंच जाएंगे जो कि इसकी बहुत ही सीवियर फेज है थर्ड फेज है ठीक है इसमें क्या होता है पीपल विथ एड्स हैव कंप्लीटली डैमेज इम्यून सिस्टम विच ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीवियर डिजीज डिजीज इज कॉल्ड ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन ठीक है तो एड जो पीपल हैं जिनको एड्स हो जाता है एड्स का मतलब एच आई बी की जो थर्ड स्टेज अगर एच आई बी की मेडिकेशन प्रॉपर अर्लियर फेज में नहीं करते हैं तो क्या होता है इनका इम्यून सिस्टम जो होता है जो पेशेंट है उनका इम्यून सिस्टम प्रपर्ली डैमेज हो जाता है इम्यून सिस्टम ही फाइटिंग सिस्टम होता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट वही फाइट करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ठीक है किसी भी इंफेक्शन की इन्फेक्शन से ठीक है तो अगर हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है तो जो माइक्रो ऑर्गनिज्म है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इजिली हमारी बॉडी में इंटर करके हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करना और हार्मुल इफेक्ट शो करना है हमारी बॉडी को हार्म करना ठीक है तो यही लिखा है विच में ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीवियर डिजीज बहुत सारी इसकी वजह से हो सकती है कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोई भी पर्सन एड्स या एच आई वी की वजह से नहीं मरता है एड्स और एच आई वी की वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो यूजली एड्स की वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोपरली पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है कम्पलीटली डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी इंफेक्शन इजिली हमारी बॉडी में एंटर करके हमारी बॉडी को हार्म करता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट फाइट करने में कैपेबल नहीं रहती है ठीक है द डिजीज डज नॉट किल अ डाय इट्स सेल्फ पहले ही बताया कि एड्स की वजह से कोई नहीं मरता इट वीकनेस योर इम्यून सिस्टम एंड मेक्स इट वेरी इजिली प्रोन टू इन्फेक्शन एंड अदर सेकेंडरी डिजीज पहले ही बताया कि अगर एड्स है तो इंसान एड्स की वजह से नहीं मरता एड्स की वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करके इन्फेक्शन कॉज करता है हमारी बॉडी को हार्म करता है और बहुत सारी डिजीज कॉज होती है उसकी वजह से इंसान की डेथ होती है नेक्स्ट क्या है ईटियोलॉजी एच तो आई जो डिजीज है किससे कॉज होगा एच आई वी वन या एच आई वी टू वायरस से ठीक है इसको हम रेट्रो वायरसेस बोलते हैं या आर एन ए वायरस बोलते है? वायरस हैं और इनको हम रेट्रो वायरसेस भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी ठीक है बाइंडिंग टू सी डी फोर ठीक है सी डी सी डी फोर सेल को हम हेल्पर टी सेल भी बोलते हैं ठीक है या सी डी फोर लिम्पोसाइड्स भी बोलते हैं जो कि डब्ल्यू का टाइप्स होता है इसका क्या वर्क होता है ये हेल्प करता है फाइट बाय ट्रिगरिंग ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को वो ट्रिगर करता है किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में और वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है ठीक है मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ट्रिगर करता है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस फॉरेन मटेरियल है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है हमारी बॉडी पे उसको किल करे उसको डिस्ट्रॉय करे तो जो एचआईवी वायरस है वो सी सेल पे ही जाके बाइंड हो जाती है ठीक है तो जब सी डी फोर सेल पे बाइंड हो जाती है तो मतलब डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे प्रोडक्ट करिए क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के पास ही रहते हैं ये सेल्स ठीक है उसको ट्रिगर करते हैं किसी भी बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं नेक्स्ट है इंटरनेलाइजेशन में क्या होता है एच आई बी जो बाइंड uh, होता है सी डी फोर सेल के सरफेस सरफेस पे रिसेप्टर पे तो एच आई बी किसका यूज करता है सी सी आर कीमोकाइन रिसेप्टर को रिसेप्टर की हेल्प से ठीक है सी डी फोर सेल पे बाइंड होता है किसके हेल्प से कीमोकाइन को रिसेप्टर की हेल्प से फिर क्या होता है अनकोटिंग एंड वायरल डीएनए फॉर्मेशन फॉर्मेशन का मतलब जो वायरस होता है जो वायरस होता है ना वो हमारे टी सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है ठीक है इंटर करेगा उसके बाद जो आरएनए होता है क्योंकि एचआईवी हमारी आरएनए वायरस है तो जो वायरस का आरएनए होता है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है ठीक है वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से यूज से हमारा जो वायरल वायरस uh, का आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है ठीक है फिर क्या होता है इंटीग्रेटेड प्रोवायरल डीएनए प्रोवायरल डीएनए का फॉर्मेशन होता है और लेटेंट इन्फेक्शन कॉज होगा इधर प्रोडक्टिव इन्फेक्शन कॉज होगा फिर हमारे एच है मेच्योर एच का प्रोडक्शन होगा और सेल लाइसिस होगा हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगे फर्दर उनकी डेथ होगी ठीक है सेल लाइसिस वो डैमेज होना स्टार्ट कर देंगे प्रॉपरली ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है क्योंकि ये सी डी फोर सेल है हमारे इम्यून सिस्टम में रहता है ठीक है तो क्या होता है कोई भी वायरस है कोई भी वायरस मतलब एच आई वी वायरस ये हमारे सी डी फोर सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है उसके बाद क्या करता है वायरस का जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है किसके हेल्प से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की हेल्प से और उसके बाद वहां पे इंफेक्शन कॉज करता है एचआईवी मैच्योर एचआईवी का प्रोडक्शन करता है अपने जैसे डुप्लीकेट कॉपीज की प्रोडक्शन करता है जो इम्यून सिस्टम है उसके सेल्स लाइसिस होने लगती है मतलब वहाँ के जो सेल्स है वो डैमेज होने लगती है ठीक है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं फर्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन ठीक है कुछ सिम्टम्स तो so होते हैं मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन के टाइम पे एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन के टाइम पे तो अलग अलग इनको देख लेते हैं अकर्स फोर टू टेन वीक्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस विद एन एच आई वी इन्फेक्टेड पर्सन मतलब कि जो एच आई वी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस करने के चार से दस सप्ते बाद ठीक है तो क्या होता है कंटिन्यूस फीवर मोर देन हंड्रेड फॉर एन हाइट फॉर वन मंथ एक महीने के लिए सौ डिग्री से ज्यादा बुखार रहेगा ज्वाइंट पेन रहे रहेगी स्किन रेसेस रहेगा सो थ्रोट रहेगा आपके जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल उनमें स्वेलिंग रहेगी ठीक है।, है ये कब होता है प्राइमरी इन्फेक्शन जब कॉज होता है ठीक है अर्लियर फेज में ठीक है अब एच आई वी की अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं ठीक है प्रॉपर मेडिकेशन उनको नहीं देते हैं तो वो आ, आ, प्रोग्रेस करेगा उसके सेकेंड फेज फाइनली थर्ड पे फेज एड्स के थ्रू एड्स पे एड्स क्या होता है एड्स कंडीशन में जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी आ, डिजीज या इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इजिली कॉज होते हैं तो क्रो, क्रो, क्रोनिक एच आई वी इन्फेक्शन क्या है फीवर है फटीग है डायरिया है डायरिया भी कंटिन्यूसली वन मंथ तक रहती है वेट लॉस है सिंगलेस है सिंगलेस का मतलब कि वायरस की वजह से रेसेज होना जो कि पेन कॉज करे ठीक है रेसेज होगा जो कि पेन कॉज करेगा वायरस की वजह से नेक्स्ट है पेरिस्टेंट जनरलाइज लिम, लिम्फ एडिनोपैथी ठीक है उसके बाद क्या होता है ओरल थ्रस ये हमारे क्रोनिक इन्फेक्शन है नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट फर्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एच आई वी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगी कि आप श्योर रहे कि आप और आपके पार्टनर टेस्टेड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ठीक है उनके टेस्ट हुए हैं और वो क्वाडम का यूज कर रहे हैं ठीक है हैविंग ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड नेक्स्ट क्या है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है देर आर मेनी मेडिकेशन दैट कैन कंट्रोल एच आई वी एंड प्रीवेंट कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि एच आई वी को कंट्रोल करते हैं उसके कॉम्प्लीकेशन को प्रिवेंट करते हैं दिस मेडिकेशन आर कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्योंकि एच आई वी क्या है हमारा रेट्रोवायरस है तो इसकी जो ड्रग्स होगी उसको हम बोलेंगे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ए आर टी ये अंडरलाइन करने के लिए आपके वन मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं ए आर टी का फुल फॉर्म नेक्स्ट देखते ट इज यूजअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट मेडिकेशन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट ड्रग क्लासेस ठीक है पहला क्या है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिवेटर एन एन आर टी आई एस ठीक है तो इस कैटेगरी की जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं कि एच आई वी की डुप्लीकेट्स कॉपीज बनाने के लिए ठीक है अपने जैसे फर्दर एच आई वी की कॉपीज बनाने के लिए उनको प्रोटीन की जरूरत होती है तो ये इस कैटेगरी के, के ड्रग्स जो है उस प्रोटीन को इनिवेट कर देते हैं किल कर देते हैं जिससे फर्दर जो एच आई वी की कॉपीज है एच आई बी की आ, प्रोग्रेशन है वो रुक जाए ठीक है तो इस कैटेगरी के, के ड्रग क्या है इफाविरेंज रिल रिलपिवीर एंडोरा विरीन, ठीक है नेक्स्ट क्या कैटेगरी का ड्रग है न्यूक्लोसाइड और न्यूक्लोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिविटर इस कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं क्या करते हैं दिस ड्रग आर ड्रग्स आर फॉल्टी वर्जन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट एच आई वी नीड टू मेक कॉपीज ऑफ इट्स ठीक है क्या है ड्रग्स लेमिविडीन जीडोविडीन एबाकवीर टेनोफोविड ठीक है नेक्स्ट कैटेगरी क्या है थर्ड कैटेगरी प्रोटीएज एज इनविटर पी आई एस प्रोटीज इनिवीटर भी क्या करते हैं दिस ड्रग्स इनएक्टिव एक्टिव एच आई वी प्रोटीज एन अदर प्रोटीन दैट एच आई वी नीड टू मेक कॉपीज ऑफ इट्स खुद की कॉपीज बनाने के लिए एच आई वी की एच आई वी को जिस प्रोटीन की जरूरत होती है उसको उसको वो इन्वीट कर देते हैं नाम ही है प्रोटीज इनिवीटर मतलब प्रोटीन को इन्वीट करते हैं जिनकी जरूरत एच को अपने जैसे कॉपीज बनाने में होती है ठीक है जिससे क्या होता है एच फर्दर और प्रोग्रेस नहीं होता है उसके और ज़्यादा सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचता है ठीक है और भी बहुत सारे इसके इस डिजीज के ड्रग्स हैं इंट्री और फ्यूजन इनिविटर्स ये क्या करते हैं एच की इंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं सी सेल में ठीक है इसके कौन कौन से ड्रग्स है एंड विरोक एंड टाइड ठीक है नेक्स्ट देखते हैं और एच दोनों की बात की इस टॉपिक में तो एक डिफरेंस देख लेते हैं एड्स और एच के बीच में एड्स क्या होता है एक्वर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम एड्स ठीक है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है एड्स ज अ डिजीज ठीक है एच आई वी क्या है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एच आई वी इज द कैज फैक्टर रीजन फॉर एड्स ठीक है एच आई वी क्या है एड्स को कॉज करने का रीजन है सेकेंड क्या है कॉम्प्लीकेशन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम द डिजीज किल द होस्ट ठीक है नेक्स्ट क्या द वायरस इज इनकेपेबल ऑफ किलिंग होस्ट बाई इट्सैल्फ इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है कॉम्प्लिकेशन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन एड्स की वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है प्रॉपरली इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से कोई और डिजीज हमें कॉज हो जाते हैं और ये हमारे होस्ट सेल को किल करता है ठीक है जो की एच होस्ट सेल को किल करने में कैपेबल नहीं होता है एड्स क्या है एड्स इज अ कंडीशन एक्ॉर्ड ओनली द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एच आई वी एड्स कब होगा जब एच आई वी की हम प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट अर्ली फेज में नहीं करते हैं तो फर्दर एड्स कॉज होता है एच आई वी क्या है एच आई वी इज अ वायरस एंड लाइक अदर वायरसेज कैन सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एच आई वी वायरस अदर वायरसेस की तरह होता है जैसे वायरसेज एक दूसरे एक से दूसरे पर्सन में फैलते हैं सेम वैसे एच आई वी वायरस भी होता है और आप लोग के लिये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच गाइज आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें